हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपने 200 के मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले 5 महीने से अप्रॉक्सीमेटली एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड ये कंपनी कब तक इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगी वो कोई नहीं बता सकता। कंपनी यहाँ पे अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है मंडे के दिन ही इस रेंज की ब्रेकआउट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एंटायर 2022 ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में जिन लोगों की भी होल्डिंग इस कंपनी में है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो इस कंपनी की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65 रुपीज के आसपास निकल के आ रही है। मतलब अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो सिंपली शेयर को बेच के निकल जाओ। और रही बात जो लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, तो देखो गाइस, ये है आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी पोजीशन प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कंपनी कब इस रेंज की ब्रेकआउट देगी। इस रेंज की ब्रेकआउट कब होने वाला है वो किसी को नहीं पता, तो सिंपली वेट फॉर दी ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद ये कंपनी 49 रुपीज़ तक की फॉल शो कर सकती है, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। मतलब 70 रुपीज़ के बाद की जो सपोर्ट जोन है वह अप्रॉक्सीमेटली 49 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज में मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाती है तो कंपनी ने 97 रुपीज़ के ऊपर सक्सेसफुली डेली बेसिस पे क्लोजिंग किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद भी आप लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हो इस कंपनी में। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज, स्टे सेफ।